यूपी में मिशन 80 के तहत भगवा खेमे में 2019 में हारी हुई 16 सीटों को हथियाने के लिए खास रणनीति तैयार कर ली गई है। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ने 2 सीटें जीत ली। अब इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का फोकस उन सीटों पर होगा जिन पर हार जीत का अंतर 15,000 मतों से कम था। नई रणनीति के तहत भाजपा ने हार के साथ ही कम अंतर से जीत वाली सीटों को भी रेड जोन के रूप में चिन्हित किया। पार्टी रेड जोन के मतदाताओं तक पहुंच बढ़ा रही है। यहां बूथ से लेकर यूथ तक पर नजर रखी जा रही है। भाजपा ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही बूथ जीतो सीट जीतो के मंत्र के साथ काम शुरू कर दिया था। इस बीच प्रदेश में हुए तमाम सियासी उलटफेर और विपक्षी एकता में बिखराव का फायदा उठाने के लिए भगवा खेमे ने मिशन 80 का फॉर्मूला तैयार किया। विपक्ष के कब्जे और कम अंतर से जीत वाली सीटों को मिलाकर 20 से अधिक सीटों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है।